यस सरकार, सो चैप्टर नंबर 15 असेसमेंट अंडर जीएसटी। सर सबसे पहले सेक्शन नंबर 59 बोलता है सेल्फ असेसमेंट, एवरी असेसी शैल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल बाय हिम एंड शैल फाइल द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। ओके सर, सेकंड पॉइंट सेक्शन नंबर 60, अगर कोई असेसी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको या तो वैल्यूएशन में इशू आ रहा है कि गुड्स की या सर्विसेज की वैल्यू में क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, या कोई और इशू आ रहा है, या फिर रेट ऑफ टैक्स में कोई इशू आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं कर पा रहा है, या उसको सर HSN कोड नहीं मिल पा रहा है, या क्या रेट लगेगा नहीं मिल पा रहा है, क्या रेट लगेगा क्या रेट नहीं लगेगा, क्लियर एग्जिबिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह के कोई इशू अगर उसको है रेट ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग, तो ऐसे केस में ही कैन अप्लाई टू दी प्रॉपर ऑफिसर। सर और ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी, और सर जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी उसके 90 डेज के अंदर वो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा, पर पहले आपसे बॉन्ड साइन करवाएगा, और सर बॉन्ड में लिखवाएगा कि अगर डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स हुआ तो आपसे आपको पे करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर? अब साहब जिस दिन आपने अप्लाई किया प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, उसके बाद वो असेस करेगा देखेगा, और 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ है। अब सर ऑर्डर पास अगर हो गया, क्लियर, तो जब तक फाइनल असेसमेंट नहीं होता तब तक आप उन गुड्स और सर्विस पे उतना ही टैक्स पे करेंगे जितना प्रोविजनल असेसमेंट के थ्रू और उसने बताया आपको ऑफिसर ने। और हाँ सर, अब सर प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद क्या करेगा, वो स्टडी करेगा केस का, आपसे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगेगा, आपसे हेल्प लेगा, और उसके बाद वो आपके असेसमेंट को क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा, और ड्यूटी का अमाउंट जब फाइनलाइज करेगा उसको फाइनल असेसमेंट करने का टाइम दे रखा है विद इन 6 मंथ। जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास किया उसके 6 महीने के अंदर वो क्या करेगा सर, प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज कर देगा। पर अगर लेट हो गया तो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 महीने का फर्दर टाइम और दे सकता है उस ऑफिसर को, और अगर उसमें भी लेट हो गया तो कमिश्नर चाहे तो 4 साल का टाइम उसको ऑफिसर को और दे सकता है टू डू द फाइनल असेसमेंट। मतलब 90 दिन का टाइम तो पहले ले लिया उसने, फिर फाइनलाइज करने के लिए 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 4 साल का टाइम है फाइनल असेसमेंट करने का। अब अगर फाइनल असेसमेंट हो गया, अच्छा फाइनल असेसमेंट के लिए उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए आपसे मांगा सकता है, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ओके फाइनल असेसमेंट हो गया सर, और अगर ड्यूटी का अमाउंट टैक्स का अमाउंट हायर निकला तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आपको और पे करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पर इंटरेस्ट कब से, रेस्पेक्टिव मंथ की ड्यू डेट जो थी उसके नेक्स्ट डे से जब आपने डिफरेंस अमाउंट पे किया तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम। ओके सेकंड केस, अगर मान लो फाइनलाइज जो हुआ अमाउंट वो कम हुआ जो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, मान लो ₹1000 में टैक्स पे किया आपने और फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में, 700 में, तो 300 का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। और सर 300 का रिफंड आपको मिलेगा जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। सर उसके 60 डेज में अगर रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से दे विल पे द गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अलोंग विद द रिफंड अमाउंट बेटा। क्लियर डन, ये था आपका क्या प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 60। और सर ये फाइनल असेसमेंट होने के बाद सर जब आप रिलीज ऑफ सिक्योरिटी जो आपने बॉन्ड साइन किया था बेटा उसने सिक्योरिटी भी ली होगी आपसे, सिक्योरिटी का अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट बेटा। ओके अब सर फाइनल असेसमेंट हो गया सब कुछ क्लोज, तो सिक्योरिटी रिलीज कराएंगे, आप अप्लाई करेंगे उसके 7 डेज के अंदर वो सिक्योरिटी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा ऑफिसर बेटा। सर सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी असेसमेंट। आपने सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल कर दिए, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, स्क्रूटनाइज करता है, चेक करता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मंगाता है आपसे, और अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली आपको नोटिस लिखेगा, उसके 15 डेज में आपको उसके 30 डेज में अगर आपको रिप्लाई देना है, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है 30 दिन के अंदर उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला तो इन 4 में से कोई भी एक्शन वो ले सकता है। देन ना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, मतलब एक दो बार एग्जाम आ चुका है। फर्स्ट सर क्या करेगा वो, अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला तो ऑफिसर चाहे तो आपके प्लेस पर जीएसटी ऑफिसर की टीम भेज सकता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। एंड सेकंड सर वो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट को आपके यहां भेज सकता है फॉर स्पेशल ऑडिट। देन थर्ड सर वो सर्च इंस्पेक्शन सर्च सीजर का ऑर्डर पास कर सकता है। एंड फोर्थ डिपार्टमेंट जो एक्शन ले सकता है वो क्या है सर, सेक्शन नंबर 73 या 74 का आपको शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे। इन 4 में से कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट जो लगता है कन्वीनियंट जो लगता है उनको सूटेबल वो एक्शन वो ले सकते हैं। आ रहा है सेक्शन नंबर 62 सर, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर अगर आपने जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं किए तो ध्यान रहा सेक्शन नंबर 146 दे रखा है। वो बोलता है क्या सर कि अगर किसी असेसी ने रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं किए तो डिपार्टमेंट उसको एक नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 46, और उस नोटिस में लिखा होगा कि नेक्स्ट 15 डेज में अपने रिटर्न सबमिट कर देना अलोंग विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आपका पे बना था लेट फी ये पे कर देना। और सर अगर आपने 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर रिटर्न सबमिट नहीं किया तो ये सेक्शन 62 का पावर अराइज हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर के पास। और यहां इस सेक्शन ने बोला है क्या, वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा ऐसे केस में, विदाउट गिविंग एनी फर्दर नोटिस टू यू
अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पर अपना बेस्ट जजमेंट करेगा और वो असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट करने के लिए वो आपके जीएसटीआर 1 जो आपने सबमिट किया आउटवर्ड सप्लाई का, आपके 2 में जो इनवर्ड सप्लाई आ रहा है, ईवी बिल्स और अदर सोर्सेज जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन वगैरह से, ये सब सर्कुलर में दिया था सर, ये सब इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकता है और इन्फॉर्मेशन निकाल के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। और असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने आपकी गलती मानते हुए सारे जो पेंडिंग रिटर्न थे वो फाइल कर दिए अलोंग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स, लेट फाइलिंग फी एटसेट्रा, तो जो असेसमेंट ऑर्डर ऑफिसर ने पास किया वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। पर अगर आपने ऑर्डर पास होने के 30 दिन में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया तो जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है वही वैलिड हो जाएगा और सर वो ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट ये असेसमेंट कर सकता है विद इन 5 ईयर्स जिस रिलेवेंट पीरियड का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया वहाँ से 5 साल के अंदर ये बेस्ट जजमेंट ऑर्डर वो पास कर सकते हैं बच्चों। और ध्यान देना जिनके सर नवंबर 20 एग्जाम से नवंबर 20 उसके बाद, तो सर उनके लिए सर्कुलर यहाँ पे ऐड हुआ। सर्कुलर तो क्या है, एक डिपार्टमेंट ने एसओपी दिया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जिस रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है उससे 3 दिन पहले असेसी को क्या कर देंगे, एसएमएस भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे कि रिटर्न फाइल करें, ड्यू डेट आने वाला है, टाइमली रिटर्न फाइल कर देना। अब जब रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था तब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको एक और मैसेज या मेल आ जाएगा कि रिटर्न फाइल नहीं किया है। फिर उसके सर 3 वर्किंग डे के अंदर, सर ध्यान देना बेटा, सर सॉरी 5 दिन के अंदर, 5 दिन आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगेन आपको नोटिस आ जाएगा अंडर सेक्शन 46 जीएसटीआर 3A के फॉर्म में कि भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं किया अगले 15 दिन में रिटर्न फाइल कर देना, और उस 15 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किया तो अब प्रॉपर ऑफिसर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे क्या कर देगा, बेस्ट जजमेंट करेगा। और इसके लिए कोई बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करते वक्त ध्यान रखना कोई फर्दर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं देगा, या सर्कुलर ने क्लेरिफाई कर दिया साफ साफ कि हमने आपको नोटिस भेज दिया ना, सब 15 डेज का वक्त दिया, अब आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वगैरह के बेस पे क्या कर देंगे, बेस्ट जजमेंट कर देंगे और विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन टू दी एसएससी। और हाँ, ऑर्डर पास करने के 30 दिन में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया, तो हमने जो ऑर्डर पास किया वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा बच्चों, क्लियर। प्लस सर्कुलर ने ये भी बोला बच्चों कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर डिपार्टमेंट लगता है कि एसएससी भाग जाएगा, देर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो आपकी प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच भी कर सकता है कमिश्नर बेटा। एंड 1 मोर पॉइंट, अगर मोर देन 6 मंथ हो गए रिटर्न फाइल नहीं किए कंटिन्यूस 6 मंथ का, तो डिपार्टमेंट पास पावर की वजह है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, आपने पढ़ा हुआ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में बेटा, क्लियर माहौल। सरकार ये था सेक्शन 62, आ रहा है सेक्शन 63 कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो बेटा, सेक्शन 63 बोलता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप लायबल टू रजिस्टर हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या आप लायबल टू रजिस्टर थे आपका रजिस्ट्रेशन भी था पर किसी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उसके बाद भी आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करो जिसमें टैक्स लगता है, टैक्स लाइबिलिटी आती है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया कि वो चाहे तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट के बेस पे बेस्ट जजमेंट करके आपका असेसमेंट कर सकता है और ऑर्डर पास कर देगा। पर ऐसे केस में आपको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बींग हर्ट देनी पड़ेगी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, और नोटिस इश्यू करने के 15 डेज में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। और सर आपके रिप्लाई आने के बाद वो देखेंगे कि उसको आपको टैक्स की लाइबिलिटी आती कि नहीं आती है, और आती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर देंगे। और ये ऑर्डर पास करने का टाइम अगेन कितना है, 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अच्छा, मैंने सेक्शन 62 में भी पढ़ा था बेटा, ध्यान बेटा वहाँ पे भी जो रेस्पेक्टिव मंथ से 5 साल नहीं बेटा, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, दोनों केस में 5 साल कब से, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्शन 62 हो या सेक्शन 63 हो, दोनों केस में जो ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा ये कितने टाइम में कर सकता है, रिलेवेंट फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आती है उसके 5 साल के अंदर ये बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं, भले सेक्शन 62 हो या 63 हो बेटा, क्लियर डन। एक लास्ट पॉइंट है सेक्शन 64 सर, समरी असेसमेंट बच्चों, क्या है बच्चों, समरी असेसमेंट इन सर्टन केसेस, ध्यान ना अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि सर There is an undisputed या accepted tax liability by the SSC और उसने टैक्स पे नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किए, और सर इंटेलिजेंस विंग से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि SSC भाग जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, सर एस्केप हो जाएगा, और देर इज अ ह्यूज चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर एक समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा सर, बिफोर मतलब विदाउट फॉलोइंग नॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर वो डायरेक्ट समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। ये थोड़ा हार्श होता है असेसी पर हाँ डिपार्टमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यू, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट ऑल्सो, ओके प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी इसको बोलते हैं बेटा, क्लियर डन। पर हाँ अगर प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर दिया ये तभी होगा जब देर इज एन अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी या एक्सेप्टेड टैक्स लायबिलिटी है और देर इज अ क्लियर एविडेंस कि साहब लायबिलिटी बनती है और ये भागने के चांसेस के बेटा, तो ही वो करेगा। पर हाँ ऐसा असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद अगर एसएससी कांटेक्ट करता है किससे, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से, और उसको प्रूव कर देता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा सीला दिया तूने मेरे असेसमेंट का, तो ऐसे केस में सर अगर
ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशन कमिश्नर लगता है यार रीजनेबल केस था यार, यहाँ पे समरी असेसमेंट नहीं होना चाहिए था, तो एडिशन कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है कि ऐसे केस में उसका समरी असेसमेंट ऑर्डर वो क्या कर दे, विड्रॉ कर दे, और विड्रॉ कर दिया है तो समरी असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं रहेगा। पर विड्रॉ के बाद इमीजिएटली दिस विड्रॉल शैल बी फॉलोड बाय अ नोटिस, शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि देर वॉज एन अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी बेटा, तभी तो वो समरी असेसमेंट में आया है बेटा, इसलिए 73 या 74 का प्रोसेस तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, शोकॉज नोटिस देना ही पड़ेगा बेटा। और हाँ सर, कभी क्या होता है, गुड्स मान लो मेरे जो गुड्स थे वो थर्ड पर्सन के पास पाए गए बेटा, अब वहाँ पे ओनर आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जिस पर्सन की पोजीशन में गुड्स थे उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 74। इसी के साथ चैप्टर नंबर 15 भी खत्म होता है। अब भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए माहौल सरकार।